and how it's work, and we are discuss we see the numerical version of the basic artificial neural networks and how the hidden layer and input layer or output layer is working. So how to calculate the activation function, because in every node, every input or output node, and we are calculate the activation function and the average of the calculate activation function. And after that, we also in back propagation, we also calculate the average error, because if we are going to attaining some data set through artificial neural networks, we have a actual value and we have also a predicted value, and we compare the actual value with the predicted value, and we calculate the error rate as well as. So first we discuss about the artificial neural networks and its activation function. Now in this session we are discuss about the different types of the artificial neural networks. So basically four types of the artificial neural networks. Last time we are discuss about the feed forward, feed backward, also say that multi preceptor neural network, or also single layer network, multi layer network. So these are four types of the artificial neural networks. जी आ गए सारे स्टूडेंट्स जैन जी सर स्टूडेंट्स आ गए हैं स्टार्ट करें क्योंकि कोई भी पीछे रह गया तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाएगा एट द एंड तक सर अभी जो फर्स्ट सेशन में से अभी सारे तो नहीं आए अच्छा चलें हम स्टार्ट करते हैं फिर बीच में स्टार्ट करते हैं बीच में रिपीट करते जाएंगे ठीक है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीड फॉरवर्ड लेयर ठीक है जी जी तो इसमें क्या है एग्जांपल से ही आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी ये हमारे पास नोड वन है ये टू है ये थ्री है और ये हमारी इनपुट लेयर हो गई इनपुट लेयर ये हमारा आउटपुट हिडन लेयर हो गई और ये हमारी आउटपुट लेयर हो गई अब फीड फॉरवर्ड में ये है कि ये एरो का जो सिंबल है बेसिकली फीड फॉरवर्ड में इट ओनली डील्स विद द जीरो एंड वंस एंड इट ओनली डील्स विद द फॉरवर्ड सो बैकवर्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी इसमें फीड फॉरवर्ड लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हमेशा ये आगे से फीड लेगी आगे को फीड करेगी और आगे से पीछे रिवर्स जो है यानी कि इस साइन इस साइड को एरो नहीं होगा तो ऐसा जो नेटवर्क होता है उसको हम फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं So these are the nodes. So feed forward layer. So understand हुई बात? Zain? जी सर इसमें हम जी सर हम इसमें बैक नहीं जा सकते अब इसमें एरो का सिंबल भी फॉरवर्ड है और एरो आप बैकवर्ड नहीं कर बैकवर्ड नहीं जा सकते ये फीड फॉरवर्ड लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जी सर
ये दूसरी टाइप है इसकी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की फीड बैकवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें ये आपके पास ये इनपुट हो गया, ये हिडन, ये आउटपुट हो गए। इसमें ये है कि ये इंस्ट्रक्शन, इसको ये बैकवर्ड, ये बैक एरो आ गया, और इसी तरह ये फॉरवर्ड, और इसी तरह ये बैकवर्ड। So feed backward artificial neural networks. अब feed forward और feed backward दोनों का आइडिया हो गया। इसमें देखें, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि फीड फॉरवर्ड में हमने फॉरवर्ड ही फीड करना है, इनपुट लेयर ने हिडन लेयर को फॉरवर्ड ही फीड करना है, लेकिन फीड बैकवर्ड वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट आल्सो नोन एज रिकरेंट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें ये है कि वो बैक से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है और आगे से भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, इसकी ये एग्जाम्पल हमारे दिमाग को हिट करती है। हमारे जो ब्रेन है वो इसी तरह ही वर्क करता है, वो हर हर साइड से इंफॉर्मेशन ले रहा है, हर सेंस से इंफॉर्मेशन ले रहा है, हाथों से सेंसर से इंफॉर्मेशन ले रहा है। मींस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है, हमारा जो ब्रेन है उसकी एक कॉपी समझ लें या उसका एक वर्जन समझ लें, तो ये रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। इसमें कैलकुलेशन कैलकुलेट करना वेरी मच डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है, और लेकिन एफिशिएंसी इसकी मच इंप्रूव है एज कंपेयर टू द फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, वेरी कॉम्प्लेक्स है। तो ये दो टाइप्स आपकी हमारी होगी, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। किसी को यहां तक कोई एम्बिग्विटी है तो वो मुझसे बात कर सकता है, इससे आगे हमने आगे मूव करना है बैकवर्ड प्रोपोगेशन की तरफ। सर, इसमें हम एक्टिवेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसमें इनकी फॉरवर्ड आगे जाके हम निकालेंगे। इसमें एक्टिवेशन वैल्यूज वैसे ही निकालनी है, फार्मूला वैसे ही है, लेकिन इसकी एक्टिवेशन वैल्यू जो है वो फर्दर किसी लेक्चर में जाके मैं समझाऊंगा। ये इसकी एक्टिवेशन वैल्यू जो है, फार्मूला वही है X1 और W1, लेकिन ये है कि इसमें जो बैकवर्ड जा रहा है उसका एक्टिवेशन फंक्शन जो है दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, X1 का और हिडन लेयर का भी और दोनों का भी, और फिर उसको अकॉमुलेट डेरिवेटिव फंक्शन लगाना पड़ेगा, और डेरिवेटिव फंक्शन से हम उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। सो वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट है फीड बैकवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में। क्लियर? जी सर। जी, अगला हमारा टॉपिक है, बेसिकली ये सारी स्लाइड्स जो है इसी के रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको न्यूमेरिकली बोर्ड पे करा के फिर हम इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी एक दफा आपको थोड़ा गो थ्रू करा दूं कि ये हमने फॉरवर्ड प्रोपोगेशन जो है ये हम इसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर इसकी बैकवर्ड प्रोपोगेशन जो है वो अब प्रोपोगेशन की तरफ कर रहे हैं। पहले हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ थे, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क फॉरवर्ड प्रोपोगेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि आप इसमें ट्रेनिंग कैसे होनी है। फीड वेट्स एंड डिटरमाइंड बाय द ट्रेनिंग बैक प्रोपोगेशन, वन गिवन इनपुट कंपेयर एक्चुअल आउटपुट टू द डिजायर आउटपुट। सो हमारे पास इसमें ट्रेनिंग में क्या होता है कि लेट से हम अगर मेडिकल साइंस के डाटा सेट्स की बात करें, तो हम अगर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को एक कैंसर पे डाटा सेट देते हैं तो उसकी एक्यूरेसी निकालने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, उसका एरर रेट निकालना है, तो हम देखेंगे कि इसमें क्या वैल्यू आई है और हमारे पास एक्चुअल क्या वैल्यू आई है, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा एरर रेट हो जाएगा। ठीक है, और उस एरर रेट को हम कम कैसे करते हैं, ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम जो वेट्स होंगे उनको ट्रेंड करेंगे, जो कि अभी हम न्यूमेरिकल एग्जांपल में करेंगे। एक बात क्लियर हो गई,
कि बैक प्रोपोगेशन में हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू होगी और एक वैल्यू इस ट्रेनिंग से निकलेगी, और इस ट्रेनिंग से जो वैल्यू निकलेगी वो उसका हम कंपैरिजन उसको माइनस करके एरर रेट निकालेंगे, और उस एरर रेट अगर ज्यादा आ रहा है हमारा एक्चुअल ऑप्टिमल नहीं आ रहा तो उसको फर्दर हम बैक प्रोपोगेट करके उसको दोबारा से प्रोपोगेट करके हम उसको एरर रेट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। क्लियर? जी सर जी। ये बेसिकली सारी स्लाइड्स ऐसे ही चलेंगी, लेकिन हम पहले प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल वर्जन पे चलते हैं और इससे फिर आगे चीजें आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। सर ये फीड बैकवर्ड और ये बैकवर्ड प्रोपगेशन दोनों डिफरेंट है? डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोपगेशन, डिफरेंट है प्रोपगेशन, डिफरेंट है वो तो उसकी टाइप्स है बेसिक, फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड, रिकरेंट जी, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द ट्रेनिंग ऑफ फीड फॉरवर्ड प्रोपगेशन, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ठीक है जी, कैसे निकालेंगे इसकी एग्जांपल अभी मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये वेरी डिफिकल्ट एग्जांपल है, इसको हमने सॉल्व कर रहे हैं, और इसको सॉल्व करने से आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग कैसे होती है, उसका एरर रेट कैसे निकालते हैं, ये न्यूमेरिकली आपको क्लियर हो जाएगा। और जब आपको न्यूमेरिकली क्लियर हो जाएगा तो इसका वर्जन आपकी सिमुलेशन में बड़ा आसान हो जाएगा, और आप सिमुलेशन को आराम से ट्रेंड कर सकते हैं। वहां अगर कोई एरर रेट आता है तो आप उसको एरर रेट को आप उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, एरर रेट को कम करने के लिए आराम से काम कर सकते हैं जी। इसमें है लेट से हमारे पास ये दो नोड्स हैं, इसको आप x1 कह लें, इसको x2 कह लें, और ये आपके हिडन हिडन लेयर है। और ये आपका आउटपुट लेयर है, और ये फॉरवर्ड है, और ये भी फॉरवर्ड है, और ये भी फॉरवर्ड है, और ये भी फॉरवर्ड है। अब इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू लेट्स सपोज करते हैं 0.05 है, और इसकी वेट की वैल्यू 0.15 रखवा देते हैं, लेट्स सपोज करते हैं, और ये x2 की वैल्यू 0.1 रखवा लेते हैं, जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में देखा था उसकी वैल्यू, नोड्स की वैल्यू हमने उसकी पुट की थी, और इसकी वैल्यू हम 0.3 रख लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम 0.25 और इसकी वैल्यू हम
टू जीरो रख लेते हैं, और ये क्या है हमारा डब्ल्यू वन, ये डब्ल्यू टू, और ये हमारा डब्ल्यू थ्री, और ये हमारा डब्ल्यू फोर। तो ये चार वेट्स आ गए हमारे पास इनिशियली, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले हमारा जो काम है, हमने हिडन लेयर, ये हमारे पास एच वन, इसको कह लें हिडन लेयर वन, और ये हिडन लेयर नोड टू, ये हिडन लेयर है। इसके हमने सबसे पहले जो है ना इनपुट काउंट करनी है, जैसे हमने निकाली थी पहले भी सिंपल एग्जांपल में, कि उसकी इनपुट निकालनी है। तो इनपुट कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होगा हमारे पास, फार्मूला होता है वही फार्मूला जो हम मैंने पहले लगाया था। एच इनपुट के लिए हमारे पास फार्मूला होगा डब्ल्यू वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू और प्लस, ये एक एब्सोल्यूट फंक्शन कह लें आप, या इसको आप बेसिक फंक्शन कह लें, ये गिवन होता है, ये हमने कैलकुलेट करना है। हर लेयर का होगा, बेसिक कंसंट्रेशन वैल्यू भी कहते हैं इसे, बेसिक कंसंट्रेशन वैल्यू, क्योंकि इसमें हम अज्यूम करते हैं हमारे पास है 0.35 okay. किसको कह, जो अज्यूम कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं बेसिक, ये बैक प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं हम, दूसरे में सिंपल था, उसमें बेसिक कंसंट्रेशन वैल्यू नहीं थी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में हम कैलकुलेट कर रहे थे। तो इसमें बेसिक कंसंट्रेशन वैल्यू जो के हर लेयर की होगी हमारे पास, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हेलो जी सर, जी सर, यहां तक क्लियर है? सिंपल हमने एक्टिवेशन फंक्शन कैलकुलेट किया है जैसे कि वैसे किया था, सिर्फ जो है हमारे पास बेसिक कंसंट्रेशन वैल्यू हमने उसको ऐड किया है। तो इस तरह ये एच वन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे करें जरा, यस डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है 0.15, एक्स वन की वैल्यू क्या है 0.05 और प्लस एक्स टू की वैल्यू क्या है 0.1 W2 की 0.20 है और X2 की 0.1 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.1 और मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0.35। तो इसको कैलकुलेट करें क्या आंसर आ रहा है, कोई कैलकुलेट करके देगा मुझे, H1 की वैल्यू क्या आ रही है, चले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ सर, 0.377 आ रही मेरे पास, ठीक है जी। ये एच वन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, तो क्या H2 की वैल्यू भी ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, क्या फार्मूला होगा H2n का क्या फार्मूला होगा जी H2n का, बोले H2n की तरफ नोड कौन सा आ रहा है, सबसे पहले
x2 से स्टार्ट करेंगे x1 w3 x1 w3 प्लस x2 w4 प्लस बेसिक फंक्शन। तो हम इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जी सर। क्या वैल्यू होगी x1 की, क्या वैल्यू है x1 की? 0.05 और w3 की, और w3 की 0.25 और प्लस x2 की 0.3 और w4 की 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस 0.35। तो ये हमारे पास एच वन एच टू इन भी निकल आया, यानी कि हमारे पास इनपुट आ गई, हिडन लेयर की इनपुट आ गई आराम से, हिडन हिडन लेयर की। कौन सी क्या इनपुट आई हमारे पास? एक की 0.33377 और इसकी कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितनी आ रही है। ठीक आई है बिल्कुल 3925। ओके ठीक है, एक मिनट मैं पेंसिल पे लिख लूं और इसको मैं रेज कर लूं क्योंकि आगे फिर 0.377 और 0.3925। ओके जी, ये हमारा एच वन और एच टू निकल आया। यहाँ पे एच इन और एच टू इन दोनों का इनपुट निकल आई। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ये हमारा सिग्मोइड फंक्शन, हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शन है, हमने इन का कैलकुलेट कर लिया, हिडन लेयर का। अब हम आउट का भी तो कैलकुलेट करेंगे ना, जो इसको वैल्यू जा रही है, जो आउट को वैल्यू जा रही है, यहां से फिर हमारा एरर रेट आएगा और फिर हम एरर रेट का कंपैरिजन करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? किसी को नहीं आई समझ तो दोबारा से पूछ ले, क्योंकि हम इसको बार बार आगे ये बेसिक समझ आएगी तो हम आगे मूव कर पाएंगे। सर बाकी समझ आ गई? ये बी नॉट जो बेसिक फंक्शन आप कह रहे हैं, ये हर केस में गिवन होगा, हर लेयर का गिवन होगा। पहले जो हमने किया था उसमें नहीं था, तो उस केस में वो प्रोपोगेशन नहीं थी, ये प्रोपोगेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। वो बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क था और उसकी टाइप्स थी, और ये आगे हम फीड फॉरवर्ड या फीड बैकवर्ड प्रोपोगेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम एरर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सर, क्लियर जी सबको? जी सर। यहाँ पे हमारे हमने एच वन और H2 कैलकुलेट कर लिया। H1 की वैल्यू, H1 इन की वैल्यू है हमारे पास 0.377 और H2 इनकी वैल्यू है हमारे पास 0.399। अब हमने एच इन निकाल लिया, मैं इसको फिर स्मार्ट सा ड्रा करता हूं। ये है हमारे पास, ये दो ही थे,
ये हमारे पास हिडन है, ये हमारे पास आउट है, यहां तक हमने निकाल लिया। ये हमारा H1 हमने निकाल लिया, H1 इन इन निकाला है, अब हमने आउट निकालना है। इसके दो इससे जो वैल्यू जा रही है वो निकालनी है हमने। H1 इन निकाला है और H1 H2 इन निकाला है, ठीक है। अब हमने H H1 आउट निकालना है, H1 आउट, उसका क्या फार्मूला होगा? अब हम यूज करेंगे सिग्मोइड फंक्शन, लीनियर भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर इसमें सिग्मोइड फंक्शन है। उसका फार्मूला अभी देखा था, वन प्लस e की पावर माइनस h of 1 in माइनस v। अब जैसा भी है मैं बोल रहा हूं h of 1 in मैंने ये लिखा है, 1/1 e^(h)(1)। क्लियर? आवाज नहीं आई? एच टू आउट इज इक्वल टू 1/(+e^-h^2)n। आराम से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट में कैलकुलेटर निकालू। जी, 1/ फंक्शन लगा e का 1/(h)n, तो ये क्या वैल्यू आई हमारे पास? जी, तो ये हमारे पास, हमने कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये आ रही है 0.59। और H2 की आ रही है हमारे पास, एक मिनट, 1/(h)(1) की वैल्यू है 0.399 और उसको 0.399 और ये आ गई हमारे पास, ये भी आ गई, ये 5968। तो इस तरह हमारे पास H in और H out दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, ठीक है जी। H with सर? जी जी बोले बोले सर, ये E की जगह किसकी वैल्यू आएगी? क्या E का फंक्शन होता है ना, ये आप सिग्मोइड फंक्शन में E का फंक्शन है, ये फंक्शन आपको कैलकुलेटर में मिल जाएगा। जैन कैलकुलेट कर सकते हो ना आप? जी सर, ये वो बिल्ट इन है कैलकुलेटर में, ये बिल्ट इन होता है भाई मैथ, ये सारा AI जो है, और यहाँ पर ये AI और कंप्यूटर साइंस सारा मैथ पे बेस कर रहा है भाई। ये तो मैंने करवाना नहीं था लेकिन मुझे आपको आइडिया हो गया था, इसलिए मैंने, क्योंकि उस दिन मैंने करवा दिया था, मुझे बाद में आइडिया हुआ कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई जब तक मैं ये न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं करूंगा। क्लियर जैन? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब एच वन इन और एच वन आउट दोनों निकल आए, अब सिर्फ हमारे पास ये आउटपुट लेयर रह गई, ये वाली, ये आउटपुट लेयर रह गई, आउटपुट लेयर, इसकी हमने इसी तरह हिस्से इन और आउट निकालना है। तो इसका इन और आउट निकालेंगे कैसे? इसके वेट डिसाइड नहीं किए थे, इसका वेट हम इसको सपोज कर लेते हैं ये 0.40 है इसका वेट, और इसका वेट डिसाइड कर लेते हैं 0.45।
और इसको हम कह लेते हैं ये W1, 2, 3, 4 था, ये W5 और W6 आ गए, W5 और W6। जी अब इसका, अब कोई मुझे बताएगा इसका हमने इन कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सर H1 आउट को मल्टीप्लाई कर देंगे W5 के। वेरी गुड, H1 इन कैलकुलेट करना है हमने, तो उसका फार्मूला है W5 मल्टीप्लाइड बाय H आउट, H1 आउट, क्योंकि H1 आउट की वैल्यू निकाली है ना हमने अभी जो निकाली है ये, जी सर, और प्लस W5 प्लस H1 आउट प्लस W5 H2 आउट, H2 आउट और प्लस बेसिक फंक्शन, तो इसकी वैल्यू ये हुई 0.40 0.40 मल्टीप्लाइड बाय 0.593 प्लस ये 6 है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0.45 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.596 प्लस हमारे पास सिग्मॉइड फंक्शन जो है इस लेयर के लिए, ये भी हम यूज कर सकते हैं 0.35 या इस लेयर का अलग से भी हम हमें गिवन होगा, तो इसको अज्यूम कर लेते हैं 6, सो प्लस 0.6, तो ये हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये करें कैलकुलेट, मैं भी कैलकुलेटर मार रहा हूं, जी प्लस प्लस ये प्लस वो, जी तो ये है आ गया हमारे पास 1.10, ठीक है जी, ये ओ वन का इन आ गया। तो इसी तरह आप ओ टू का आउट निकाले जरा, इन इन सॉरी O2 का इन, O2 का इन क्या फॉर्मूला होगा O2 के इन का? हेलो सो गए हो? हेलो सर, ये मेरा O1 in भी 1.10 है, ठीक है, O1 तो आ गया, O2 in की बात कर रहा हूँ, O2 in की बात कर रहा हूँ, आउटपुट तो एक ही नहीं है। हाँ सॉरी, ओ मैं H2 पे चला गया था, इनकी बात ठीक है, अब इसका आउट निकालना है, ओ का आउट निकालना है, आउट सॉरी मैं H2 पे चला गया था, 1/(e^-O)(O)(in), तो जैन कैलकुलेट करना कितना आता है?
मैं करता हूँ, जी मेरे पास जैन 0.75 आ रहा है। ये सर फार्मूला क्या है, ओ ई की पावर माइनस वन वन ओवर वन प्लस ई की पावर माइनस ओ इन, ओ इन की वैल्यू जो आ रही है वो 1.10 आ रही है। ठीक है, एक मिनट इधर चला गया जी, मेरे पास 0.75 आ रही है इसकी वैल्यू। तो ये यहां तक हमारा आउटपुट निकल आया। अब हमारी बारी आ गई एरर की, क्लियर? यहां तक हमने, हमारे पास इनपुट लेयर थी, हमारे पास हिडन लेयर थी और आउटपुट लेयर थी। हमने वन बाय वन करके उसके फंक्शन निकाल लिए, उसका एक्टिवेशन फंक्शन निकाल लिया और उसका इन और आउट फंक्शन निकाल लिया, और उसके बाद हम जा रहे हैं एरर निकालने के लिए। तो एरर, टोटल एरर का फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला, वन ओवर टू टारगेट टारगेट, मैं बोल रहा हूं ताकि समझ ना आए तो पढ़ लीजिएगा, टारगेट माइनस आउटपुट जो हमारे पास आया है अभी स्क्वायर। तो ये हमारा एरर आ जाएगा। अब हमने टारगेट अभी अज्यूम ही नहीं किया था, तो टारगेट वैसे सारे फंक्शन में टारगेट हमारे पास 0.01 ही होता है, या 0.1 होता है या 0 होता है। तो हम इसको टारगेट को, ये हमारे पास टारगेट है, टारगेट को 0.01 होता है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें 1/2 0.01 माइनस 0.75 का स्क्वायर, तो इजीली उसका हमारा एरर रेट निकल आता है। मैं कैलकुलेट करता हूं, पॉइंट टू सेवन। तो इस फार्मूले से हमारा जो एरर रेट आया है वो 0.27 आया है।